हो चुका है। ओके, क्या सर्दी। ऑन हो चुका है क्या? है? गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि अभी एसएससी के पेपर्स के पैटर्न को देखेंगे तो 25 क्वेश्चन में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन प्रीवियस रह रहे हैं और 8 से 10 करंट रह रहे हैं। बाकी जो 8 से 10 क्वेश्चन रह रहे हैं, किसी में 10, किसी में 8, किसी में 6, तो वो रह रहे हैं मेरे बच्चों स्टैटिक जीके से संबंधित। अब एक तरीका था कि हम स्टैटिक जीके के लिए ढेर सारी चीजें कवर करते तो पॉसिबल नहीं था। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मैक्सिमम जो स्टैटिक जीके आ रहे हैं वो स्टेट के फैक्ट से रिलेटेड है। जैसे किसी में लैंग्वेज पूछ लिया, किसी में डांस पूछ लिया, किसी में ट्राइब्स पूछ लिया, किसी में नेशनल फॉरेस्ट पूछ लिया, ऐसे कई सारी चीजें पूछ रहे हैं। तो हम लोगों ने जब काफी सारे पेपर डिस्कस किए, काफी पेपर देखे, तो हमें ये बात समझ में आई कि यदि हम ये चाहें कि अलग अलग तैयार करें तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने क्या तरीका अपनाया कि हम क्या करेंगे, जितने हमारे स्टेट हैं और जितने हमारे यूटीज हैं उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जब हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि लास्ट पेपर्स में किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन आए हैं। थोड़ा सा टिपिकल होगा आपके लिए, लेकिन यकीन मानिए जीएस को कवर करने का इससे अच्छा और बेहतर तरीका कोई नहीं होगा। तो हमने ऐसे कहा कि यदि हम पेपर को देख रहे हैं तो पेपर कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ रहा करेंट। इस पे भी हम लोग प्लान बना रहे हैं, जल्दी डेली करेंट शुरू कर रहे हैं तो पूरे पिछले 4 महीने का स्टैटिक जीके। और प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन लगभग 8-10, 8-10 समय रेशियो है पेपर का। तो अभी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं स्टैटिक जीके के थ्रू स्टेट वाइज। तो उसी क्रम में हम लोग पहला स्टेट शुरू कर रहे हैं आज, राजस्थान। ये जो भी मैटर हम आपको, हिमांशु भारद्वाज, हेलो बच्चे, जो भी मैटर हम आपको दे रहे हैं इसका पीडीएफ हमने लिंक में नीचे अटैच कर दिया है। ये बस सर देखेंगे कि पीडीएफ सब्सक्रिप्शन में है क्या। तो सब्सक्रिप्शन में लिंक हमने कर दिया है, कमेंट में भी डाल दे रहे हैं हम। तो चले हम पहला स्टेट राजस्थान से शुरू करते हैं। जैसे अब ऐसा क्वेश्चन कि किस स्टेट को करें, इतनी रात को लाइव क्लास, कल छुट्टी है हम लोग की, तो हम लोगों ने प्लान किया कि आज इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करें। जीके आप लोग को दिन में मौका नहीं मिलता है तो आप सभी के लिए कर रहे हैं। किस स्टेट को हम राजाओं की भूमि के नाम से जानते हैं? तो हमने कहा कि राजस्थान को राजाओं की भूमि के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा राज्य जिसे पहले राजपूताना राज्य कहा जाता था और इसका एरिया, अब देखिए स्टेट के लिए जाएंगे तब तो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन हम ये था कि यहां से काम का पॉइंट निकालते तो वो भी मुश्किल होता। तो हम लोगों ने क्या किया कि थोड़ा सा इन डिटेल इसको कवर किया है। साथ के साथ मैं बताता जाऊंगा। रवि राय, मैरी क्रिसमस। यस, हम सभी के लिए मैरी क्रिसमस। तो मैरी क्रिसमस का एक गिफ्ट मान के चलिए। अब जैसे हमने कहा कि इस राज्य का क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत का लगभग 10.4% है। और हम जानते हैं कि ज्योग्राफिकली
देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल वाइज, जैसे देश का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल वाइज कौन सा है मेरे बच्चों? सिक्किम। और ये जनसंख्या के मामले में देश का सातवां बड़ा राज्य है। आप जानते हैं कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य यूपी है और सबसे छोटा गोवा है। 1947 से पहले जब ब्रिटिश शासन ने हमें ये शासन दिया था तो कई सारे रियासतें थी जिसमें से अजमेर, मेवाड़ छोटे ब्रिटिश शासित प्रांत थे, और ये इन रूप में ये हमें प्राप्त हुआ था। 1947 के बाद इसे यूनिफाइड किया गया, एकीकृत किया गया, और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप निर्मित किया गया है। तो क्वेश्चन कि राजस्थान, जब आप जानते होंगे कि 1956 में हमने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को इस्टेब्लिश किया था कॉन्स्टिट्यूशन का 7th अमेंडमेंट करके, तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1956 के एक्ट में था या कौन सा नहीं था। तो हमने कहा कि राजस्थान था। अब आप जानते हैं कि इसका कैपिटल किससे किससे मिलता है, सॉरी इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। अब देखें क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से नहीं मिलती है या किस राज्य की सीमा राजस्थान से मिलती है। ये क्वेश्चन इस बार सीजीएल के कई सारे पेपर में था। तो देखें तो राजस्थान की सीमाएं पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, एमपी और गुजरात से मिलती हैं। अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान की सीमा भी राजस्थान से मिलती है, और क्वेश्चन पूछ लें पाकिस्तान की कौन सी सीमा, कौन से राज्य की सीमा मिलती है राजस्थान से, तो सिंध प्रोविंस की सीमा राजस्थान से मिल रही है। अब हमने राजस्थान को 7 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में भी डिवाइड किया है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में तो नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ हमें जानकारी रहेगी कि हाँ कौन कितने प्रभाग हैं। तो 7 मैं बताता चलूंगा कि कहाँ कहाँ में क्या क्या जानने की जरूरत है। अब हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, तो राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। अब ये नहीं हमें जानना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये हमें नहीं जरूरत है। लेकिन हम मोटा मोटी हमने कहा कि 33 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें। अब थोड़ा बहुत राजस्थान के एग्जीक्यूटिव के बारे में जाने, तो राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा, सीएम है अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम है सचिन पायलट। और स्टेट लेजिस्लेचर कैसा है? यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब केवल विधानसभा है, और उनकी विधानसभा में कुल 200 असेंबली हैं, 200 MLA हैं, 200, और इनके स्पीकर का नाम है सीपी जोशी। अब ये क्वेश्चन इस बार रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सिटिंग बेंच मैच नहीं कर रहा है। तो आप जान रहे हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट का जो स्टेब्लिश्ड है वो जोधपुर में है और इसका बेंच जयपुर में है। अब मेरे बच्चों राजस्थान का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी, और मेन लैंग्वेज मारवाड़ी है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है लेकिन मुख्य लैंग्वेज मारवाड़ी है, कॉमनली स्पोकन वर्ड। अब इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास इस बार एग्जाम में रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध, किस वर्ड का संबंध इस राज्य से, साउथ का क्वेश्चन था। तो यहां इन्होंने कहा आओ सा, बैठो सा, पधारो हुकुम, मारा देश। और अब क्वेश्चन है कि स्टेट फ्लावर कौन सा है, राज्य का फूल कौन सा है। तो हमने कहा कि रोहिड़ा। और राज्य की पक्षी कौन सी है, ऑफिशियल बर्ड कौन सा है, तो यह है गुड़वान। और स्टेट एनिमल हम जानते हैं कैमल, ऊंट और चिंकारा। और मेरे बच्चों स्टेट ट्री खेजरी है, और स्टेट डांस हिमांशु अच्छी बात है, थैंक यू। इसी के लिए वो कहानी लाई गई थी जो स्टॉक पे, कि आपके जैसे कुछ बच्चों को मोटिवेशन मिले। अब है कि स्टेट का डांस क्या है, तो घूमर। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जनरली आता रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का डांस है।
ये पॉइंट आपके लिए मेन है कि हरियाणा राजस्थान का नृत्य कौन सा है कल्चर वाइज, तो राजस्थान का नृत्य है घूमर, और स्टेट का गेम, ये क्वेश्चन भी इस बार के पेपरों में पूछा गया है, तो राजस्थान का गेम है बास्केटबॉल। अब है मेरे बच्चों टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो इतना हमें डाटा रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हम ये जाने कि राजस्थान में जनसंख्या वाइज सातवां राज्य है, लगभग 75% पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है राजस्थान की, ओनली 25% पॉपुलेशन आर अर्बन पॉपुलेशन शहरी आबादी है, और 10 सालों में जो वृद्धि हुई है इनके वहां वो 21.3% हुई है, 21.3 2001 से 2011 के बीच में। आप जानते हैं कि जनगणना हर 10 साल पे होती है। अब मेरे बच्चों इनका जो सेक्स रेशियो है 928, 988, लिटरेसी रेट है 66%, जबकि देश का लिटरेसी रेट है 74.04%। तो एक तरीके से हमसे पॉइंट फैक्ट पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से किस किन राज्यों की शिक्षा दर नेशनल शिक्षा दर से कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे बच्चे राजस्थान एक आंसर हो जाएगा। मेल लिटरेसी कितनी है 79% और फीमेल है 52%। और एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शेड्यूल ट्राइब्स हैं और शेड्यूल कास्ट हैं, तो राजस्थान में शेड्यूल कास्ट भी हैं और शेड्यूल ट्राइब्स भी हैं। राजस्थान के 17.8% आबादी शेड्यूल कास्ट है और 13.5% पॉपुलेशन आर शेड्यूल ट्राइब्स। लैंग्वेज हमने बोला था हिंदी है सबसे ज्यादा जो बोली जाती है, और सबसे ज्यादा जो आबादी है राजस्थान में वो है हिंदू, लगभग 88.49%। देश में भी हिंदू आबादी लगभग इतनी ही है, और दूसरे नंबर पे मुस्लिम लगभग 9%। अब इसके हिस्ट्री के बारे में हमने फैक्ट दे तो दिया है, लेकिन आपको इससे बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है राजस्थान के इतिहास से, तो हमें जो मेन राज्यों से सीखने की जरूरत है, हमने जानबूझ के मैटर दिया ताकि आप थोड़ा बहुत पढ़ें, थोड़ा बहुत अपने आप को लिंक कर पाए। और 1947 में आजादी के बाद राजपूताना रियासतों की प्रमुख इकाइयों के द्वारा इसे यूनिफाइड किया गया था। 1956 में इसे प्रेजेंट सिनेरियो देगा। हाँ ज्योग्राफिकली हमें कह रहे हैं सीजीएल के लिए बेनिफिशियल है क्या, तो मेरे बच्चे सीजीएल के लिए ही कराया जा रहा है। हमने कहा कि स्टैटिक जीके जो आ रहे हैं उनको स्टेट वाइज ही हम कवर कर सकते हैं, तो हमने स्टेट वन राजस्थान से शुरू किया है, धीरे धीरे हम हर स्टेट का आपके सामने इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और मेन हमें ज्योग्राफिकली और कल्चरली जानना है राज्यों को। सामान्य इसमें अरावली पर्वत है, माउंट एबू जो पश्चिम से आबू पर्वत खेतड़ी शहर में है, राज्य का लगभग इतना हिस्सा हाँ अनप्रोडक्टिव है, थार रेगिस्तान है इसमें राजस्थान में। ड्रेनेज सिस्टम जो है द अरावली फ्रॉम राजस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर शेड, द ईस्ट ऑफ द रेंज इज चंबल रिवर, राज्य में के उत्तरी हिस्से में चंबल घाटी है, और अन्य जलमार्ग पूर्वोत्तर की तरफ निकलते हैं बनास जयपुर, इस तरीके की चीजों को आपने नहीं जानना है। लूनी अरावली में एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है, लूनी के बारे में जानना है। पश्चिम में बंजर भूमि रेत, ये भी नहीं जानने की जरूरत है। मिट्टी मृदा सॉइल, ये भी बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं मिनरल से रिलेटेड। राजस्थान है डिस्पाइट 81 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर एंड माइनर मिनरल्स, आउट ऑफ 57 आर बीइंग करेंटली माइंड, इट इज ओनली प्रोड्यूस्ड ऑफ ओर्स लेड एंड जिंक सेलेनाइट बोसेनाइट, फर्दर इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। ये हमारे काम का पॉइंट है कि चांदी के उत्पादन में पहले स्थान पर है, सीमेंट लाइमस्टोन भी यहां से प्राप्त हो रहा है। अराउंड 70% बोन कहां से, सीमेंट कहां से प्राप्त हो रहे हैं, हमें चाइना से प्राप्त हो रहे हैं, सॉरी राजस्थान से प्राप्त हो रहा है। अब हमारे पास माइंस कौन कौन से हैं, तो हमें यूरेनियम लेड जिंक और कॉपर जैसे
मिनरल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं, टंगस्टन, ये इस चीजें हमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्लाइमेट हमें थोड़ा बहुत जानना है, जलवायु। राजस्थान इज अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट दैट वेरियस फॉर्म एक्सट्रीमली रिच टू ह्यूमिड ह्यूमिड। द ह्यूमिड जोन स्पैन द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट। एक्सपेक्ट द हिल्स हीट ड्यूरिंग ऑफ समर इज इंटेंसिव एवरीवेयर विद द टेम्परेचर इन जून। अब यहां में जानना चाहिए कि जून में यहां का तापमान, जैसे सबसे ज्यादा अधिक तापमान कहां दर्ज किया गया है, चूरू में 50 डिग्री सेंटीग्रेड। चले इतना भी इसमें नहीं, बारिश कम है, वनस्पति, हाँ ये हमें जानना चाहिए, जो मेन वनस्पति है यहां पर वो झाड़ियां हैं, स्क्रब्स हैं, स्क्रब जंगल्स। फना टाइप के पौधे हैं, एग्रीकल्चर ड्राई है और यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है ज्वार, हमें मैक्सिमम यहीं से प्राप्त हो रहा है। बाजरा भी हमें सबसे जो यहीं से प्राप्त हो रहा है, 60% पूरे देश का। राजस्थान का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। अब जानते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन में देश में पहला स्थान यूपी का है और सेकंड पोजीशन राजस्थान का है। वून प्रोडक्शन में पहला, वूल प्रोडक्शन में पहला। चलें ये हमें दो फैक्ट हमें याद रखना है। नेम ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज, हाँ ये हमें जानना है। सरिस्का कहाँ पे है, अलवर में है, ये हमें जानना चाहिए। रणथंबोर कहाँ है, सवाई माधोपुर में। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में जनरली पूछते हैं, ये हमें याद करना होगा। सरिस्का, अलवर, रणथंबोर, सवाई माधोपुर, किला देव घाना, भरतपुर, डेजर्ट एनपी, जैसलमेर, मुकुंद्रा हिल्स, कोटा। और ये हमने बता दिया आपको, माउंट आबू, सिरोही, कंचनजंगा, सरिस्का, अलवर। ये मेरे बच्चों जो अभी जो पेज है आपके सामने, ये हम सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्स, कौन सी ट्राइब राजस्थान में मिलती है, कौन सी ट्राइब नहीं मिलती है, ये मैचिंग करने के लिए आ रहा है। पेपर यदि उठा के देखेंगे तो ये आपको रटना होगा। भील, मीना, डामोर, ढाका, गराड़िया, कथोड़ी, काकना, कोली, नायक, पटेलिया, शहरिया, सहरिया। शहरिया जनजाति राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति और विशेष रूप से कमजोर जनजाति में शामिल होने वाले राज्य की एकमात्र जनजाति है शहरिया। डी नोटिफाइड ट्राइब्स, विमुक्त जनजातियां कौन सी हैं, बावरी, कंजर, खासी, बांगड़ी, बागरिया, मोगिया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्राइब्स कौन सी हैं। कल्चर से ही हमसे मेनली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाल्डिया, बंजारा, परदेसी, डंबोरी, गाड़िया, लोहार, ईरानी। यदि इस बार देखेंगे पेपर में तो इस तरह के क्वेश्चन गोवा से पूछे गए थे कि निम्नलिखित कौन सी ट्राइब्स गोवा में नहीं है। सारंगीवाल, भोपा, रेवारी, रथ, मंगनी, भाई, कनिष, जलुक, झांग। शेड्यूल ट्राइब्स कौन से हैं हमारे वहां राजस्थान में, भील्स, गराड़िया, गरासिया, डामोर, ढमरिया, ढाका, तड़वी, तेतरिया, वाल्व, कथोड़ी, कटकरी, कोकना। तो ये मेरे बच्चों आपको रटना होगा, कोकना, कोकनी, कोटना, कोलीभोर, टोके, कोली, कोलचा, मीना, नाइड, डका, पटेलिया, शहरिया। शेड्यूल ट्राइब्स एरिया कौन कौन से हैं, तो इतना ये नहीं आपको रटने की जरूरत है।
ट्राइब्स का नाम। हाँ, ये क्वेश्चन भी इस बार एक पेपर में रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मेले आंध्र प्रदेश में नहीं मनाए जाते हैं। तो ये आपको रटना होगा, पुष्कर मेला, अभानेत्री त्यौहार, रेगिस्तान त्यौहार, राजस्थान कबीर यात्रा, कोलायत मेला, तीज त्यौहार, मारवाड़ त्यौहार, कुंभलगढ़ त्यौहार, उदयपुर त्यौहार। तो ये सब तो चीजें हम मनाते ही हैं। नागौरी पुष्कर मेला आपको देखना चाहिए। फोक डांस सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे चैप्टर का, यदि हम कोई बोलेंगे तो वो डांस वाला सेक्शन बोलेंगे। ये आपको रटना होगा, भवई, छांग, चारी, डांडिया, गैर, घूमर, कठपुतली, तैर थाली, कच्छी घोड़ी नृत्य और कालबेलिया। ये क्वेश्चन आया भी है कालबेलिया वाला। फोक म्यूजिक ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाबूजी की चरण पंच, मांड और पिनहारी, फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ये भी क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में रहे हैं। हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे ऐसे, तो आपको दिखेंगे कि यार ऐसे क्वेश्चन कैसे कवर करें। तो इस तरीके का आप एक नजर देख के जाएंगे एग्जाम में, तो आपको इजी होगा। एक तारा, मोरचंग, सारंगी, रावण हट्टा, काम यचा, नगारा, ढोल, डमरू, सभी आकारों और अकारे में पुंगी, अलगोजा, तारपी, बीन, बिक्री, सहनाई, बारह, जंतर, घुरालियर, थाली और गर्सिया, जलताल इत्यादि। हिस्टोरिकल पैलेस यदि आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे, बाकी इस तरह के क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इस तरह के क्वेश्चन हैं। चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंबोर का किला, गागरौन किला, अंबर का किला, जैसलमेर किला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और जयपुर का जंतर मंतर, ऑब्जर्वेटरी या वेधशाला, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। जीआई प्रोडक्ट्स इस बार देखे होंगे तो खूब सारे क्वेश्चन आपके जीआई प्रोडक्ट से पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है कि राजस्थान के लिए कौन कौन से जीआई प्रोडक्ट, ज्योग्राफिकली इंडिकेटेड प्रोडक्ट, यानी कौन से प्रोडक्ट राजस्थान के लिए रजिस्टर्ड किए गए। जैसे इस बार आपसे एग्जाम में पूछा गया था राजस्थान, सॉरी, वेस्ट बंगाल को किसी मिठाई के बारे में, कि ये किस राज्य का जीआई इंडिकेटर है। और ऐसे क्वेश्चन मेनली इस बार पूछे गए हैं एमटीएस जैसे एग्जाम में। तो हम देखते हैं, फलकारी, कोटा डोरिया, ब्लू पॉटरी, जयपुर, मुलल्ला मिट्टी का काम, चुनथिया, ब्लॉक प्रिंटिंग, बीकानेरी भजिया, कोटा डोरिया लोगो, बंगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, ये मेरे बच्चों आपको रटना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन हैं एग्जाम में। तो हमने दो तीन चीजें आपको यहाँ पे बोली है जो आपको मेनली करने की जरूरत है। एक तो डांस, कल्चर में इंस्ट्रूमेंट कर लेंगे, ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, जीआई टैग, और किसी मामले में ये पहले या दूसरे नंबर पे हों। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था राजस्थान, ये हमने आपको डिस्कस कर दिया है। कोशिश करेंगे कि हर स्टेट का ऐसे ही एक दिन में दो दो तीन तीन चार चार स्टेट आपका कवर करवा दें। तो अभी के लिए मेरे बच्चों इतना ही रखेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।